अरे यार, अब ऐसा क्या बनाओ कि एक ही बार में 20-30 मिलियन व्यूज आ जाए। कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो देखने में एकदम खतरनाक लगे। ओ यस, यही बनाऊंगा, व्यूज भी अच्छा है। तो यस गाइज, आज हम लोग यही तड़कता भड़कता हवे में लटकता हुआ माइनक्राफ्ट हाउस बनाएंगे, और इसका यूज मैं इंचेंटिंग करने के लिए करूंगा, क्योंकि बस उसी की कमी है। तो आज हम लोग यही बनाएंगे, और पता नहीं मुझे यहाँ पे किसने ला के रख दिया। तो अब बताओ, ये खतरनाक लटकता हुआ इंचेंटिंग रूम कहाँ पे बनाया जाए? यहाँ पे हमारा बेस है, तो उसे मैं बनाऊंगा इस साइड। हाँ, इधर सही रहेगा, और दोनों के बीच में एक ग्लास का ब्रिज बना दूंगा, फिर तो भाई मजा आ जाएगा। गाइज, मेरा बेस एकदम डेली खतरनाक बनता जा रहा है, तो चलो उसे बनाना चालू करते हैं। मोबाइल कहाँ गया? ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा मुझे। तो हम लोगों को वुड चाहिए होगा, ग्लास चाहिए होगा, और ढेर सारा स्टोन चाहिए होगा, और फिर अंदर की डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारा और चीज चाहिए होगा। तो देखा जाए मेरे स्टोरेज रूम में क्या क्या है, फिर बाकी सारा चीज कलेक्ट करेंगे। तो मेरे खजाने वाले रूम में क्या क्या है? कचरा भरा हुआ है। अच्छा है, मेरे पास स्टोन ऑलरेडी है, और ये एसी या फैंस नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो एसी या लॉग चाहिए। अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है उसे असेसिया लॉग कहते हैं। तो वो कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और ग्लास भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और कोल है ना मेरे पास, इधर खाली है, इधर थोड़ा बहुत है, इधर भी थोड़ा बहुत है। तो चलो, कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोग को ग्लास चाहिए होगा, फिर हम लोग अपना तड़कता भड़कता हवे में लटकता हुआ हाउस बना सकते हैं। अरे यार, मैं शॉवल लेना भूल गया, वो तो चाहिए हम लोगों को। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस बार डायमंड का शॉवल बनाऊं, और ये बन गया हमारा डायमंड शॉवल। जिंदगी में पहली बार मैंने इसे बनाया माइनक्राफ्ट में। तो ये देखो, यही मेरे नजदीक एकदम सैंड है। थैंक गॉड, मेरा लोकेशन बहुत ही ज्यादा मस्त है। हाँ, यही होना था जब मैं मस्त बोल रहा हूँ लोकेशन को। तो भाई, यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन मेरे जैसे इपिक व्यक्ति किसी के जाल में नहीं फंसते, वो लोग जाल में फंसाते हैं। ओ भाई, इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। तो इतने सैंड काफी रहेंगे, अब हम लोग को एसी लॉग कलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये देखो, यहाँ पे इतने सारे एसी लॉग है, तो चलो इन सभी को कलेक्ट करते हैं। 3,000 years later. तो सारा चीज कलेक्ट कर लिया है, सैंड कलेक्ट कर लिया है, एसी लॉक कलेक्ट कर लिया है, अब बस इन सभी को ग्लास में कन्वर्ट करना है, और फिर हमारा काम हो जाना चाहिए। तो जब तक ये काम हो रहा है, जल्दी वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। यार, गरीब आदमी को कोई सब्सक्राइब नहीं मारता। Meanwhile. तो फाइनली सब कुछ रेडी है, अब बस मुझे वहाँ पे क्लाइंब करना पड़ेगा। यार, माइनक्राफ्ट में लिफ्ट विफ्ट नहीं है क्या? बट भाई, आप माइनक्राफ्ट में लिफ्ट बना सकते हो? अरे हाँ, पता है कि लिफ्ट बना सकता हूँ, लेकिन एक आलसी यूट्यूबर कितना कुछ करे, मैं तो चुपचाप ब्लॉक लगा के ऊपर जाऊंगा। और यहाँ से पहले मुझे पानी कलेक्ट करने दो, तभी ना मैं अपना 395 IQ वाला क्लच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ वाले बेस पे, फिर यहाँ से ब्रिज बना के उस साइड जाऊंगा मैं। और ये देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिफ्ट बन रखा है, तो फिर मुझे बनाने की जरूरत क्या है? तो मैं आ चुका हूँ अपने पुराने वाले बेस पे। भाई, संभल के मिस्टर पिक, यहाँ पे गिर ले तो गल्ले बेटा वाला काम हो जाएगा। डैम इट, मैं हर समय हार्डकोर माइनक्राफ्ट में इतना रिस्क क्यों लेता रहता हूँ? ओके, तो ऑलमोस्ट अपने पुराने वाले बेस पे पहुंच गया हूँ। हाँ, तो अब अपना लटकता हुआ हाउस मैं वहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। भाई, ग्लास देख के मैं नीचे डर गया था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सामने के लिए ग्लास ब्रिज बनाऊंगा, और फिर अपना लटकता हुआ घर बनाऊंगा। आई होप कि मैंने जितना ग्लास लाया है उतना काफी रहे। और भाई, मैं अपने साथ टोटम ऑफ अंडरिंग लाना भूल गया, सही में गिर ले तो गिल्ले बेटा वाला काम हो जाएगा। तो ये देखो, ये बन गया हमारा ग्लास ब्रिज, अब मैं अपना लटकता हुआ घर यहाँ कहीं पे बनाऊंगा। और मेरा प्लान तो था कि इसे चारों तरफ से ग्लास से कवर कर दूं, लेकिन ग्लास ही कम पड़ गया। छोड़ो, वो काम थोड़ा देर बाद करूंगा, पहले ये लटकता हुआ घर बना लेता हूँ। हाँ, तो मैं अपना इंचेंटिंग रूम यहाँ पे बनाऊंगा लटकता हुआ। भाई, कुछ ज्यादा ही दूर नहीं हो गया, मुझे इंचेंट करने के लिए वहां से दौड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन आई डोंट केयर, हम लोग यहीं पे बनाएंगे। तो अब चालू होता है मेन रिस्की काम, जो कि है यहाँ पे लटकता हुआ घर बनाना। और वो बनेगा कैसे? भाई, ट्यूटोरियल में तो पूरा क्रिएटिव मोड में बनाया गया है, मैं ये हार्डकोर में कैसे करूँ? अब पता नहीं मैं ऐसे आइडिया सोचता ही क्यों। कोई बात नहीं, सब कुछ करेगा तुम्हारा भाई पिक, एक बार जो बोल दिया वो तो मैं करूंगा ही। और पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। ओ, रुक जाओ, कहीं भाई, अरे यार, क्रीपर का बच्चा क्यों आ गया यहाँ पे?
अरे यार अब वहाँ पे वो क्रीपर कहाँ से आ गया? कितना अच्छा मैं वहाँ पे मस्ती में काम करने जा रहा था और वो क्रीपर वहाँ पे आ गया। अरे यार अब मुझे फिर से ऊपर क्लाइम करना पड़ेगा, अब मुझे जाके इन सभी क्रीपर से पंगा लेना पड़ेगा। यार ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे मेरी जिंदगी खराब करने? तो देखने दो इधर कोई क्रीपर, हेलो हेलो हेलो, नहीं है, गायब हो गया। हाँ ये अच्छा है, मुझे धप्पा देके खुद गायब हो गया। चलो अच्छा है, मुझे किसी से पंगा नहीं लेना पड़ेगा, अब फिर से मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ, थैंक गॉड। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर बेस बनाना पड़ेगा, फिर बाकी का सारा काम होगा। हाँ तो ये देखो बेस बन गया, अब हम लोग को साइड साइड वाला दीवार बनाना है और फिर उसके बाद जो कर्व ये सब वाला डिजाइन है वो करना है। भाई किसका आइडिया था ये घर बनाना? भाई ये सब क्रिएटिव में करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सर्वाइवल में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये हो गया, अब हम लोग को यहाँ पे कर्व वाला डिजाइन बनाना है और वो इस तरह बनाना है, और यही सेम चीज इधर रिपीट करना है। देखो मैं ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे टैलेंट पे भरोसा रखो तुम लोग, कुछ मस्ती चीज बनाऊंगा मैं। और फिर यहाँ बीच में हम लोग को ग्लास का विंडो बनाना है, और फिर हम लोगों को ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बहुत देर करने के बाद। तो गाइज घोर तपस्या करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, फाइनली मैंने फाइनली आधा काम पूरा कर लिया है। भाई इसे बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन जितना बनाया उतना दिखाता हूँ, और ये देखो टडा, हाँ यही बक्सा बनाया है मैंने इतनी देर में। वाओ ट्यूटोरियल से 99% मैच कर रहा है, ये मजाक कर रहा हूँ, अभी भी इसमें बहुत ज्यादा काम करना है। देखो अभी तक मैंने सीलिंग कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन अभी मैं इतना मेहनत कर करके बोर हो चुका हूँ, इसीलिए अब जा रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले इंचेंटिंग टेबल ला के रख देने। चलो तो पहले इंचेंटिंग टेबल लाता हूँ, फिर बाद में इसका इंटीरियर डेकोरेशन करूंगा। और रुक जाओ मैं इस साइड से क्यों जा रहा हूँ, जब मैं यहीं से छलांग लगा के नीचे जा सकता हूँ। ये देखो यहाँ से नीचे छलांग लगाने पे मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाटर बकेट हाथ में पकड़ लेता हूँ, पिछली वीडियो में तो इसी का तो प्रैक्टिस किया था। चलो नीचे चला जाए, मरूंगा नहीं मरूंगा। तो ये देखो नीचे से देखने में पता नहीं अजीब ही लग रहा है, लेकिन टेढ़ा है फिर भी मेरा है, मैंने इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, और यहाँ से देखने से वो एक चश्मे जैसा लग रहा है। चलो अपने चश्मे वाले बेस में हम लोग इंचेंटिंग टेबल रख के आते हैं। तो इंचेंटिंग टेबल के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए देखना पड़ेगा, तो इसके लिए बुक चाहिए, डायमंड चाहिए और ऑब्सीडियन चाहिए, दो चीज शायद मेरे पास है, डायमंड तो है इधर, ऑब्सीडियन भी है, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है, पेपर है, दो दो पेपर है, और लेदर भी होना चाहिए, लेदर लेदर लेदर, हाँ लेदर भी है मेरे पास। तो बुक के लिए हम लोगों को सिट यार तीन तीन पेपर चाहिए, भाई मतलब एक ही पेपर का कमी होना था मेरे पास, अब वो पेपर मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फार्मिंग तो करता नहीं हूँ, फार्मिंग बहुत जल्द चालू करना पड़ेगा मुझे भाई, लेकिन वो करने का मन नहीं करता, पूछो क्यों भाई क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूँ। तो भाई अब ये पेपर कहाँ से मिलेगा? पेपर के लिए हम लोगों को शुगर केन चाहिए, अच्छा ठीक है मिल गया पेपर। भाई मैंने सोचा था मुझे लंबा टूर करना पड़ेगा, ये तो लेकिन बगल ही में निकल गया, चलो अच्छा है पेपर के लिए मुझे सात समुंदर पार तो नहीं जाना पड़ा। तो ये बन गया हम लोगों का पेपर, और ये बन गया हम लोगों का बुक, और अब फाइनली हम लोग बना सकते हैं, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, अपना प्यारा इंचेंटिंग टेबल। तो अब चलते हैं वापस वहां पे, फिर से नेचुरल लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुका हूँ, अरे भाई भाई अरे भाई ये कहाँ पे मुझे लाके छोड़ दिया इसने, भाई एकदम कोने पे लाके छोड़ दिया था मुझे, अभी उस साइड में गिर के टपक जाता और मैं गलत डायरेक्शन में चढ़ चुका हूँ। तो मुझे जाना है वहां पे, और मैं अभी नीचे गिर के मरता लेकिन बच गया। भाई आइंदा से मुझे ये सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। और क्या मैं तुम लोग को यहाँ से अपना पेड़ो स्टंट करके दिखाऊं? रुक जाओ पेट भर लेता हूँ पहले। हाँ तो चलो अब मैं तुम लोग को यहाँ से अपना स्टंट करके दिखाता हूँ, इजी। कहा ना पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, तो देखा इस बार भी कर लिया। तो चलो अपने इस प्यारे से इंचेंटिंग रूम को डेकोरेट किया जाए, जो कि देखने में शायद प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये सब गड्ढा कैसे हो गया, इन सभी को भरने दो, इसे भी भरने दो, और इस सीलिंग को भी फिनिश करने दो, इसे तो मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया है। अब सही है, अब मैं इन सभी लैंटर्न को यहाँ लगा देता हूँ। अरे यार फिर से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, सीलिंग को कुछ ज्यादा ही हाइट पे मैंने कर दिया है, और इस आखिरी वाले को यहाँ पे लगा देना है बीच में, एंटर डाल, लाइट वाला काम पूरा हो गया, और अब बस थोड़ा बहुत पेंटिंग लगाना है,
थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है, एक ही इसे इस साइड लगा देता हूँ। हाँ ये सही लग रहा है। तो चलो थोड़ा बहुत तो हम लोगों का काम हो ही गया है, अभी भी इसमें बहुत ज्यादा काम करना है। पेंटिंग वेंटिंग लगाना है, इंचेंटिंग टेबल लगाना है, बुक सेल भी ये सब लगाना है। रुक जाओ, इंचेंटिंग टेबल तो बना ही लिया है तो लगा ही देता हूँ। तो इसे मुझे लगाना है एकदम सेंटर में, हाँ यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और इसे मैं फाइनली अब तुम लोग को नीचे से दिखाता हूँ। लेट्स गो, जिंदा बच गए हो। तो क्या तुम लोग देखने के लिए रेडी हो? तो वो देखो, टडा, कितना मस्त लग रहा है। ट्यूटोरियल से 99.95% मैच कर रहा है।